ग्वालियर में आयकर कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर आयकर कर्मचारियों के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। इसके प्रथम चरण में 11 मार्च से 13 मार्च तक संपूर्ण देश के आयकर कार्यालयों में विराट धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त ग्वालियर सहित भोपाल, रायपुर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन एवं बिलासपुर अन्य आयकर कार्यालयों में कर्मचारियों ने धरना और नारेबाजी करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली से मांग की कि कर्मचारियों के भर्ती नियम सहित समस्त मुद्दों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से चर्चा कर तत्काल इन मांगों का समाधान निकालें। वहीं इसके बाद भी मांगों पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती है तो 15 मार्च को कार्यालयों से भोजन अवकाश के बाद वही गमम यानी कि हाफ डे वॉकआउट किया जाएगा, जिससे संपूर्ण देश में आयकर विभाग का कार्यालय ठप रहेगा। कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त ग्वालियर में हुए इस विरोध प्रदर्शन एवं आम सभा को आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र नोदिया, शाखा सचिव अरविंद साहू, सह सचिव अविनाश सिंह यादव, उपाध्यक्ष संजय बाथम, कोषा अध्यक्ष आरती जैन, कार्यकारिणी सदस्य विजय शर्मा सहित कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। ग्वालियर से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।